ये वीडियो स्पेशल है बस इस पर्पज से कि हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले वो आइटम जो मेरे को बहुत दिनों से इंतजार था। तो थोड़ा थोड़ा एक एक रुपए जमा करके मैंने वो खरीदा है, और वो क्या आइटम है ये आपको बाद में पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देना, पूरा देखना, तो ही आपको समझ आएगा ये क्या है, किस पर्पज से है वीडियो। तो सबसे पहले आइटम को लाते हैं। वो आइटम ये है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये आइटम है जो पीछे सेट देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, मेरे को एक सप्ताह लगा आने में इसे ऑर्डर करते हुए। तो अब इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए, सीधे सी बात है भाई। ये देखो ये चीज़ है मैंने, अब मेरे को वायर वाला में इस बात का दिक्कत होता है कि मार्केट प्लेस में जब भी मैं मार्केट या तो कहीं भी जाता है तो वायर वाला में फंस जाता है भाई, कहीं भी फंस जाता है। तो इस वजह से मैंने ये वायरलेस वाला माइक मंगाया जो मेरा बजट का था 530 रुपये। जिसको भी खरीदना भाई, मेरा लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक दे देंगे, और या तो कमेंट बॉक्स में रहेगा, आप चेकआउट करके वहाँ से खरीद सकते हैं। और इसका मैंने पहले से, इसका जो ऊपर में इसका प्लास्टिक रैप हुआ था तो मैंने उसे हटा दिया पहले, मैंने पहले ही देख लिया था भाई मेरे को बर्दाश्त। और यहाँ पे दिया वाईफाई कनेक्ट है, इसमें कोई ब्लूटूथ वाला काम सिस्टम नहीं करेगा, और यूट्यूब लाइव शो कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए भी ऑप्शन दिया है। और यहाँ पे है इस साइड आपको इस टाइप से कुछ दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 मीटर तक काम करेगा, लेकिन इसका रेंज हम खुद टेस्ट करेंगे भाई, 20 मीटर तक रेंज इसका काम करता है या नहीं। तो इसका नाम कुछ इस टाइप से है, K8 लिखा हुआ है, वायरलेस माइक्रोफोन है। इसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, कुछ इस टाइप से दिखता है। और ये रहा इसके साथ भाई, ये देखो ये डब्बा कुछ काम का नहीं, इसको फेंक देते हैं सबसे पहले तो। और इसके साथ मिलता है हमें माइक, जो रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, दो है ये बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक केबल दिया है जो छोटा सा, ज़्यादा लंबा है नहीं। तो इसको हम निकालते हैं सबसे पहले, ये छोटा सा है, बहुत छोटा है भाई, हाथ में पर छिप जाएगा आराम से। तो ये है फ़ोन में लगेगा, जो सी टाइप केबल है उसी पे लगेगा, दूसरा कुछ में काम नहीं करेगा। अगर आईफोन वाले हैं तो आईफोन के लिए एक अलग आता है, आईफोन के लिए उसके पीछे में ये लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये काम करेगा। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे एक माइक मिलता है, जो रिसीवर है यहाँ पे, इसको कोलर बोलते हैं, कोलर में इसको लगाने के लिए चिमटा दिया है। और पीछे में आपको दिखेगा स्विच छोटा सा है जो ऑन ऑफ करने के लिए। और इसके साथ है सी टाइप केबल के लिए, आपको यहाँ पे पिन लगाने के लिए, आपको चार्ज करने के लिए मिलेगा, इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। इसका कोई दिया नहीं है यहाँ पे कि कितना घंटा आपको चार्ज करना पड़ेगा, आई थिंक मेरे को लगता है 1-2 घंटा में काफ़ी है। तो इसको प्रेस करने के लिए हमको कैसे प्रेस करनी है आपको बाद में बताएंगे। इसके साथ हमें मिलता है यहाँ पे एक और डब्बा में, यहाँ पे मिलता है हमें ये भाई, निकल जा बे। तो गाइस यहाँ पे हमें मिलता है ये चीज़, इसमें क्या चीज़ आपको दिखाते हैं, सबसे पहले इसको रख लेते हैं नीचे। और हमें यहाँ पे मिलता है केबल, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, देख रहे हो छोटा सा है, एकदम पिद्दी सा है। तो गाइस ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा रेड बटन और ग्रीन बटन, आपको कनेक्ट होने के बाद आप जब इसका फ़ोन के पीछे सीट लगाइएगा तो यहाँ पे अपने आप ग्रीन लाइट जल जाएगा। तो बस सही है। अब इसका चेक करते हैं भाई डिस्टेंस कितना का है, मतलब डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस में काम करता है। बस बस सही था, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं था भाई, बस यही 3-4 तो सामान ही था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसको वापस सर 500 का रेंज में अच्छा है अपने लिए, देखो अपना बजट जितना है भाई उतने ही में काफ़ी है, अब उससे ज़्यादा बजट में हम जा नहीं सकते। तो गाइस अभी हम चेक कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने माइक लगा रखा है, और ये माइक कैसे काम कर रहा है ये मेरे को नहीं पता, अभी इसको एडिट करेंगे तब मेरे को पता चल जाएगा ये माइक कैसे काम कर रहा है। मैंने ये लगा दिया, अब ऑडियो, अब ये जो माइक है मैंने परचेस किया है इसी से आप सुन रहे होंगे अभी ऑडियो, जो मैंने यहाँ पे वायरल लगाया था इसको मैंने हटा दिया है सबसे पहले, तो ये मेरे को दूसरे ट्राइपॉड के साथ मिला था, बट ये इसको मैंने हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आपको मेरे जो अभी मैंने परचेस किया था उस माइक का आवाज़ है, और कैसे लग रहा आ रहा होगा आवाज़ भी ठीक ठाक है। और मेरे को लग रहा है कि एडिट करते वक्त मेरे को पता चलेगा कि इसका वॉइस आप लोग को कैसा लग रहा है, और बेस्ट है या मतलब अच्छा नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। और लेना होगा तो भी आप लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से ले सकते हैं। तो आउटडोर में इसका चेक करते हैं भाई, क्या है ज़्यादा लेट ना करते, वो इसका आउटडोर में चेक करते हैं भाई, चलो हो गया। तो गाइस अभी हम लोग माइक का टेस्ट कर रहे हैं, और अभी हवा भी चल रहा है तो नॉइस का पता चलेगा इसमें कि कैंसिलेशन में कैसे कर रहा है, फिल्टर कैसे कर रहा है। तो अभी हम सबसे पहले तो नॉइस का चेक करेंगे, और पीछे जाते हैं कितना डिस्टेंस पे हमारा माइक काम करता है और कितना दूरी पे काम करता है। तो हम सीधा पीछे चलते जाएंगे पीछे अभी, और अभी हम चेक करते हैं कि कितना मीटर पे हमारा यहाँ पे माइक काम करता है प्रॉपर। तो अभी सबसे पहले आई थिंक मेरे को लग रहा है इतना काफ़ी है, 10 10 मीटर होगा इतना दूर का। तो वापस
मैं मस्ती का हस्ती ब्रो, मैं मस्ती का हस्ती।